हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो आप लोग अपने घर में समय का सदुपयोग करें। हम जो है आज इस वीडियो में लेकर आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का। ये जो प्रश्न है दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का है, और प्रतिस्थापन विधि से जो है हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से हल करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब हो गया दो चर, एक एक्स चर है एक वाई चर है। तो इसमें जो है ये दो जो है एक मतलब कि समीकरण युग्म है, पेयर ऑफ इक्वेशन जिसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म जिसको बोलते हैं। इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। किस तरह से बनाना है आप लोग इसे ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रतिस्थापन विधि में जो है आपको या तो एक्स का मान, या एक्स का मान यदि आप निकालिएगा तो वाई के टर्म में निकलेगा, और यदि वाई का मान निकालिएगा तो एक्स के टर्म में निकलेगा। दोनों में से किसी एक का मान हमको पहले ज्ञात करना पड़ता है। मान लीजिए कि समीकरण एक यदि हम लेते हैं और इसमें एक्स या वाई का मान हम निकालते हैं, तो जब समीकरण एक लेकर जब हम एक्स या वाई का मान निकालते हैं, तब जो एक्स या वाई का मान दूसरे समीकरण जो रखेंगे समीकरण में, वो दूसरे समीकरण में रखेंगे। यदि दूसरा समीकरण लेकर के एक्स या वाई का मान निकालेंगे तो समीकरण एक में एक्स या वाई का मान पुट करेंगे या रखेंगे। देखिए तो हम जो है समीकरण फर्स्ट को लेके उसमें एक्स या वाई का मान निकालते हैं। देखिए समीकरण एक से समीकरण एक जो है 3x/2 - 5y/3 = ये -2, ये मेरा समीकरण एक है। हमको एक्स या वाई का मान निकालना है। एक्स का भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक्स में पुट करेंगे, वाई निकालेंगे तो यहाँ वाई में पुट करेंगे। देखिए एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस टर्म को यहीं रहने देंगे, 3x/2 को यहीं रहने दिए। अब बराबर है तो बराबर दे दिए, इसको जब उस पार भेजेंगे तो -2 पहले से है, और ये -5y/3 बराबर को उस पार जाएगा तो जाएगा +5y/3। यहाँ हमको केवल एक्स का मान निकालना है, ये 3/2 जो है इसको बराबर के उस पार भेज देना है, तो हमको यहाँ केवल एक्स रहना चाहिए, केवल एक्स जो रहेगा। ये 3/2 देखिए एक्स के गुना में है, उस पार जाएगा तो ये 2 ऊपर जाके दोनों ऊपर के साथ गुना करेगा, ये 3 नीचे चल जाएगा। मतलब ये 3/2 को उस पार में हम 2/3 लिख सकते हैं, और इस तरह से -2 + 5y/3। आप लोग इसे ध्यान से जरूर देखें। तो यहाँ तक हम कर लिए, उसके बाद जो है अब इसको हम इसको गुना कर देंगे, ये x का मान मेरा हो जाएगा जो भी गुना करके होगा। x बराबर ये 2 से, देखिए ये ऊपर ऊपर गुना करेगा, ये नीचे नीचे गुना करेगा, ये 2 जो है पूरा ऊपर पद के साथ गुना करेगा, 3 नीचे के साथ, 2 इसको ऊपर के साथ गुना कर देते हैं। 2 - -2 - 4 जोड़ यहाँ है 2 गुना - 2 गुना + 5y, तो हो जाएगा +5 × 2 = 10y। अब ये जो है नीचे गुना करेगा तो नीचे ये इसके साथ गुना करेगा 3, तो यह हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, नीचे में 3 × 3 = 9। ये आपका जो हो गया एक्स का मान निकल गया, इसको आप समीकरण थर्ड मान लीजिए। समीकरण का मान दे सकते हैं, नहीं भी देंगे कोई बात नहीं, लेकिन मान दे दिए तो जब हमको यहाँ पे एक्स मतलब कि एक्स का मान जो यहाँ पुट करेंगे इसमें, तो वाई का मान निकलेगा, तो वाई का मान जो निकलेगा तब यहाँ पे इसी समीकरण में जो है वाई का मान रखेंगे तो फिर एक्स का मान निकलेगा। चलिए आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद जो है अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर। देखिए समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 2 जो मेरा है ये है ना, समीकरण 1 लेकर के एक्स का मान निकाल लिए, अब यही एक्स का मान जो है समीकरण 2 में रखना है। मेरा समीकरण 2 x/2 = 3 + y/2 = 13/6, ये समीकरण 2, इसमें एक्स का मान रखना है x = -4/3 + 10y/9, यही एक्स का मान। जो एक्स का मान है उसी को सीधे रख देते हैं, 4 - 4/3 + 10y/9,
और ये बटे में तीन है सब के लिए तीन रख दिए, प्लस वाई बटे दो बराबर 13/6। ये समीकरण सेकेंड है। अब जो है ये नीचे में नहीं कुछ तो एक है, इसको जब उल्टेंगे तो ये दोनों के साथ गुना करेगा, 1/3 हो जाएगा माइनस 4/3 गुना 1/3 जोर 10y/9 गुना 1/3, ये प्लस हो जाएगा y/2 बराबर 13/6। अब यहाँ जो है गुना कर लिया तो माइनस 4/9 प्लस 10y गुना 10y/9 दिया 27, ए प्लस y/2 बराबर 13/6। यहाँ तक करने के बाद देखिए ये जो है अचर पद है, इसको अचर पद उस पर अचर पद के पास भेजेंगे तो ये माइनस 4/9 को जो है बराबर को उस पर भेज दिए, ये दोनों यही रह जाएगा। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये भी इनका जोर बन जाएगा। 27/2 का एलसीएम लेंगे तो जाएगा 54, और पहले इसको बराबर को उस पर भेज दीजिए 13/6, और इधर से जाएगा उधर प्लस जाएगा 4/9। यहाँ जो 27/2 का लघुत्तम 54, 27 से भाग देंगे 54 में दो बार में, 2 × 10 हो जाएगा 10 × 20 हुआ है। अब 2 से भाग देंगे 54 में 27 बार में, 27 × y करेंगे तो प्लस हो जाएगा 27y। तो यहाँ हो गया, अब इसको दोनों को जोड़ना है तो 20y + 27y, ये यहाँ भिन्न का जोड़ किए हैं आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, 20y + 27y तो हो गया 47y/54 बराबर। यहाँ पे 13/6 प्लस 4/9 इसका भी एलसीएम लेंगे हो जाएगा 54 हो जाएगा, मतलब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसे दिन 6 और 9 का एलसीएम लेता है 18 या 6 से भाग देंगे 18 में, 6 × 18 = 39 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद प्लस 9 से भाग देंगे दो बार में 4 × 2 = 8। अब जो है ये 18 से नीचे कटेगा, 18 × 18 = 54, 47y/3 बराबर 39 और 8 हो जाता है 47/ नीचे हो गया 1, तो 47 ये ऊपर कट गया, तो आपका जो y का मान बच जाता है ये 3 जाकर क्रॉस गुना करेगा। यहाँ y गुना किया 1 के साथ तो y हो गया, और 3 गुना करेगा यहाँ भी 1 है तो 1 के साथ तो 3, y का मान निकल गया 3 निकल गया। इस तरह से y का मान 3 निकाल लिया। अब यही y का मान 3 जो है यहाँ समीकरण जो 3 है इसमें भी यहाँ रख देते हैं तो x का मान निकल जाता है। देखिए हम रखते हैं, समीकरण तीन में y/3 रखने पर समीकरण तीन में y/3 रखने पर तो समीकरण तीन क्या है, x = -4/3 × 10 और y का मान 3 है तो रख दी 3/9। अब जो है यहाँ पे x = -4/3, यहाँ देखिए 3 × 3 = 10/3 × 10/3, अब ये भिन्न का जोड़ बनेगा तो x का मान निकल जाएगा, x = LCM आ जाएगा 3 − 4 = 10। हर बराबर है इसलिए डायरेक्ट जोड़ दिए, −4 + 10 कर दिए तो गया x = 6/3, कट गया x का मान निकल गया 2। तो आप जो है प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है आसानी से हल निकाल सकते हैं, x का मान 2 निकला और y का मान 3 निकला। आप जब इस x और y का मान जब पुट करेंगे समीकरण में तो आपको जो है जैसे यहाँ इसमें यदि x y पुट करेंगे तो यहाँ भी -2 निकलेगा क्योंकि बराबर में क्या है -2। यहाँ जैसे x का मान और y का मान पुट करेंगे तो यहाँ हमको 13/6 है, इधर भी जोड़ के 13/6 पुरेगा, तो x और y का मान इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, आप लोग देखिए, प्रश्न है 0.2x + 0.3y = 1.3, ये समीकरण सेकेंड फर्स्ट है, और दूसरा है 0.4x + 2.5y = 2.3, ये समीकरण सेकेंड है, इसको भी जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है।
इसको जब प्रतिस्थापन रिजल्ट करना, तो अभी आपको बताया कि या तो समीकरण फर्स्ट लेके एक्स या वाई का मान निकालिए, या तो समीकरण सेकंड लेके एक्स या वाई का मान निकालिए। तो मान लीजिए हम समीकरण फर्स्ट लिए, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट जो लिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये समीकरण फर्स्ट है। यहाँ पर हम यदि एक्स का मान निकालेंगे तो वाई वाला को उस पार भेज देंगे बराबर के, 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, ये हो गया बराबर को उस पर चल गया। इसको हम समीकरण सेकेंड थर्ड मान दिए, क्योंकि समीकरण एक था दो था, तो इसको तीन मान लिए, क्योंकि नहीं अभी x का मान निकालेंगे उसके बाद मानेंगे। तो यहाँ पर हमको केवल x रखना है, इसको उस पर भेज देना है, तो x बराबर ये 0.2 गुना में था उस पर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 1.3 माइनस 0.3y अब बटे हो गया 0.2, इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब यही x का मान जो है हमको समीकरण सेकेंड में रखना है, क्योंकि समीकरण एक लिए हैं, समीकरण एक में x का मान निकालें, इसलिए समीकरण दो में इस x का मान पुट करेंगे। लिखेंगे समीकरण दो में x बराबर x का मान रखने पर, समीकरण दो में जो है x का मान रखने पर, समीकरण दो क्या है मेरा 0.4, x का मान क्या है वो रख देते हैं पूरा, तो x का मान ये है 1.3 माइनस 0.3y, तो ये गुना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ये हो गया x का मान रख दिए इसमें। अब प्लस है तो प्लस देंगे 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण सेकेंड में रख रहे हैं, ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ y का मान हमको निकल जाएगा, क्योंकि y के टर्म में है, इसको पहले गुना करेंगे ऊपर 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 है तो ऊपर ही गुना करेंगे, नीचे नहीं होगा। तो ये 1.3 गुना 0.4, आप लोग अलग में कीजिए, 0.4 गुना 1.3 तो आपका हो जाएगा 0.52। देखिए 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद 13 मान लीजिए, 4 13 52, तो 2 अंक के बाद 0.2 होगा, 2 अंक के बाद 0.2 रख दिए, फिर माइनस है तो माइनस 0.4 गुना 0.3, तो 4 3 12 होता है, 2 अंक के बाद 0.12 और हो गया वाई, फिर ये बट्टे में हो गया 0.2, फिर प्लस है तो प्लस 0.5y, यहाँ कुछ बट्टे में एक है बराबर 2.3। अब जो है यहाँ पे इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 0.2 आ जाएगा एलसीएम, उसके बाद इससे भाग देंगे तो एक बार में, तो इसको पूरे एक एक से गुना करेंगे तो यही लिखा जाएगा जो है, तो 0.52 घटा 0.12y, अब बट एक से जब भाग देंगे इसमें तो 0.2 ही आएगा, और ये 0.2 है गुना 0.5 होगा, 0.2 गुना 0.5y, तो प्लस है तो प्लस, तो 0.5 गुना 0.2 हो जाएगा 0.10y हो गया, अब बराबर हो जाएगा 2.3। अब जो है यहाँ देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, नीचे में कुछ तो एक है, यहाँ कोना कोने गुना करेगा, तो एक करेगा इस पूरे ऊपर के साथ, तो हो जाएगा जो यहाँ ऊपर वही हो जाएगा, और ये 0.2 गुना 0.3 2.3 करेगा, 0.2 गुना 2.3 तो बराबर को उस पर हो जाएगा। देखिए किस तरह से करते हैं, तो ये एक से गुना करेगा ये रह जाएगा 0.52 घटा 0.12y जोड़ 0.10y बराबर, ये गुना करेगा तो हो जाएगा 0.46 हो गया, 0.46 हो गया। अब जो है ये दोनों ये घटा में ये प्लस में, तो ये घटा वाला बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 0.12 है 0.10y है, तो 0.-0.2y बच जाएगा बराबर, ये इस पार से भेजेंगे बराबर को उस पार, क्योंकि अचर पद है ये भी अचर पद है, तो एक जगह जाती मिल रहा है तो बराबर 0.46 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में 0.52 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस में जो 0.2y है बराबर, यहाँ पे 0.46 प्लस में छोटा है और जो माइनस 0.52 बड़ा है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा 0.46 से 52 है, तो 4 2 6 का अंतर है 0.6 हो जाएगा,
अब देखिए दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 0.2 दू, यहाँ गुना में वाई के साथ है, तो वाई का मान निकालना है 0.6/0.2, तो ये कट जाएगा, 0.2 उड़ गया, तो अब 2 × 3 = 6, तो वाई का मान निकल गया 3। यही वाई का मान 3 जब समीकरण 3 में रखेंगे तो हमको एक्स का मान निकलेगा, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, एक्स बराबर यहाँ पे है 1.3 × 0.3 गुना वाई का मान 3 है तो 3 कर दिए, बटे 0.2, तो एक्स का मान आसानी से निकल जाएगा 1.3 × 0.3 × 3, तब आ जाएगा 0.9/0.2, तो एक्स का मान हो जाएगा 1.3 × 0.9 घटाइए बच जाएगा 0.4, ये बड़ा है इसीलिए प्लस में बचा 0.2, 0.2 × 2 = 4, तो एक्स का मान निकला 2 और यहाँ पे एक्स बराबर निकला 2 और वाई बराबर निकला 3। ये आपका मान जो है प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं, आप प्रतिस्थापन विधि से निकालिए या विलोपन विधि से या वज्रगुणन विधि से, तो आपका ये जो एक्स और वाई का मान जो है सब जगह समान आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना बहुत आसान है, बस आप किसी में एक्स या वाई का मान प्रतिस्थापित करके समीकरण 2 में रख दीजिए। यदि फर्स्ट लेते हैं एक समीकरण से मेन निकालते हैं तो समीकरण 2 में मान रखिए, यदि समीकरण 2 का निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखिए। इस प्रकार से हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमें जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके बताइए। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और प्रैक्टिस प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।